अवामी रद्द अमल को दहशत गर्दी नहीं कहा जा सकता। अवामी रद्द अमल ना इंसाफी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी आया, ईरान में भी आया, फ्रांस में भी आया, अमेरिका, तुर्की, मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन, मशरकी पाकिस्तान, भारत, जनूबी कोरिया और मलेशिया में भी आया। अवामी रद्द अमल को कैलकुलेट करना या प्रोडक्ट करना मुश्किल होता है। हाँ, इसे मजीद खराब होने से रोका जा सकता है, जैसे तुर्किया में, जनूबी कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, मलेशिया, ईरान में हालात कंट्रोल में आ गए। जब आवाम के मुतालबात का एहतराम कर लिया गया, आज आवाम को दहशत गर्द करार देने की बजाय अना को छोड़ दें, मफाद परस्ती को छोड़ दें, झूठे मुकदमात को खत्म कर दें, मुल्क को फौकियत दें, इदारे लचक दिखाएं, अवामी मुतालबात का एहतराम किया जाए तो आज हर तरफ अमन व अमान हो जाएगा। लेकिन जो एजेंडा दिया गया है, इसमें मकसद अमन व अमान नहीं बल्कि पाकिस्तान की तबाही मकसूद है। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और बेचैनी, भूख अफलाक की आग में धकेलने और ज्यादा से ज्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दर पे है। तरक्की और खुशहाली की उम्मीदें मादूम होती जा रही हैं। चीनी वजीर खारजा ने तरक्की, खुशहाली और कौमी सलामती का नुस्खा कीमिया सियासी इत्तफाक राय को करार दिया है, मगर माजी की तरह हमने एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह मैं ना मानू की रट लगा रखी है। कहते हैं दानिशमंद अक़वाम दूसरों के तजर्बात और तारीख से सबक सीखती हैं, मगर हम वो नहीं जो अपने तलख, शर्मनाक और तबाहकुन तजर्बात से सबक सीखने को अपनी तौहीन समझते हैं। अपने मुस्तकबिल को रोशन करें और माजी की तरह शर्मनाक होने से बचाएं।